क्या कह रहे हो आप? आखिरकार क्या आप मजाक कर रहे हैं? मुझे वास्तव में क्या स्वर्ग की लाइब्रेरी को अपने से अलग करना होगा? जैसे विपिन यहाँ पर वह कुछ चंद शब्द सुनता है तो उसके साथ में ही उसका दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ हाँ, वास्तव में मैं सच कह रहा हूँ, स्वर्ग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर कोई एक मनुष्य उसकी शक्तियों को ऊपर कंट्रोल कर सके। आप धीरे धीरे यहाँ पर स्वर्ग के एक गुलाम बन जाएंगे, उसकी एक कठपुतली बनकर इधर उधर घूमने लगेंगे, और ये केवल समय की बात होगी कि आप जल्द ही यहाँ पर स्वर्ग के एक गुलाम बनकर रह जाएंगे। स्वर्ग के अंदर भी बहुत सी अपूर्णताएं थी जिसको सुलझाने के लिए यहाँ पर स्वर्ग ने अपने आप को इस तरह से छुपा कर रखा हुआ है। क्या आप वास्तव में इस जगह पर भी इस स्वर्ग का यूज करना चाहेंगे जो आपको अपूर्णताएं सिखा रहा था? तो वहीं दूसरी तरफ जब मास्टर शेख वो बातें कह रहे थे तो उनकी बातें सुनने के साथ में ही विपिन के दिमाग के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ने लगता है। वास्तव में उसकी बातों के अंदर भी उसको कुछ कुछ सच्चाई लग रही थी। यहाँ पर स्वर्ग इस जगह पर अपूर्ण था, हाँ वास्तव में ऐसा ही था। लेकिन विपिन को थोड़ी देर बाद में कुछ याद आता है, लेकिन अगर ये अपूर्णता ही है तो उसके साथ में मास्टर से कॉन्टिनेंट के ऊपर ऐसा कुछ नहीं था। मास्टर से कॉन्टिनेंट के ऊपर तो सब कुछ ठीक था, अज्योर के ऊपर भी जब मैं यहाँ के बुक्स को पढ़ने लगा तो उसके साथ में यहाँ पर भी सब कुछ ठीक होने लगा। लेकिन अब विपिन को समझ में आया ये स्वर्ग अलग अलग दुनियाओं के अंदर अलग अलग था। मास्टर जे कॉन्टिनेंट के अंदर अलग था तो अज्योर के अंदर अलग होगा, तो उसी के साथ में कहीं और जाएगा तो वहाँ का स्वर्ग भी अलग था, यानी कि वहाँ यहाँ का स्वर्ग दूसरे स्वर्ग से अलग होना चाहिए था। हाँ, अब यहाँ पर विपिन को पता चला कि स्वर्ग की ये जो साधना टेक्निक अभी वो यूज करता है, वह स्वर्ग की साधना टेक्निक ना बोलकर दूसरी जगह पर उसको स्वर्ग की बिना साधना टेक्निक बोल सकते हैं, यानी कि नॉर्मल साधना बोल सकते हैं। इसको वहां पर स्वर्ग की साधना टेक्निक के अंदर नहीं लाया जा सकता था। अब विपिन को समझ में आ गया था कि हाँ, वास्तव में स्वर्ग अपूर्ण था, लेकिन इस जगह के लिए नहीं, जब वह अलग जगह के ऊपर उस चीज को देखता था। तो उसके साथ में यहाँ पर विपिन कहता है, इसका मतलब क्या है कि आपने पहले से यहाँ पर अपने स्वर्ग को अपने से अलग कर दिया है? तो वही मास्टर शेख ऊपर देखते वक्त कहते हैं, हाँ वास्तव में वह बहुत ज्यादा दुखदायक था। आखिरकार इतने ज्यादा समय तक यहाँ पर स्वर्ग से जुड़े रहना और जब उसकी हकीकत पता चले तो उसको छोड़ देना, वास्तव में यह बड़ा दुखदायक था, लेकिन यहाँ पर मुझे उसको छोड़ना पड़ा। उसके बाद में तो मैं यहाँ पर इस लेवल के पहुंच पाने में कामयाब हो पाया हूँ। उसके बाद में तो यहाँ पर मुझको ऐसी पावर्स मिल पाई है। मैंने यहाँ पर सुप्रीम मास्टर टीचर के ओहदे को छोड़ा था, जिसके बाद में मैं विश्व गुरु बन पाया था, और उसके बाद में यहाँ पर मैं पहुंच पाने में भी कामयाब हो पाया था। तुम्हें अब ये सोच लेना है कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन भी यहाँ पर उसकी बातें कुछ कुछ अपने ऊपर लेते जा रहा था। हाँ, मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के ऊपर जब वह एक सुप्रीम मास्टर टीचर बना हुआ था तो उस जगह पर है ना, उसको प्राचीन संत के ऊपर पहुंचने में बहुत ज्यादा मुसीबत हो रही थी। लेकिन जब उसने यहाँ पर सुप्रीम मास्टर टीचर के ओहदे को वहाँ पर छोड़ा और उसको अपने से अलग कर दिया, तो उसके अगले पल यहाँ पर वह स्वर्ग द्वारा छोड़ दिया गया और उसके बाद में ही वह विश्व गुरु बन पाने में कामयाब हो गया था। विश्व गुरु बनते ही यहाँ पर उसको प्राचीन संत का ओहदा मिल गया था और वह जल्द ही उस लेवल के ऊपर पहुंच गया था। तो वही दूसरी तरफ विपिन के दिमाग के अंदर एक और सवाल आता है, लेकिन मैं अब इसको अलग कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो यहाँ पर मेरे साथ में मिला हुआ है, मेरी आत्मा और मेरे शरीर दोनों के साथ में ये मिला हुआ है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर विपिन की जो स्वर्ग यानी स्वर्ग की लाइब्रेरी थी वो उसकी आत्मा के साथ में मिली हुई थी, क्योंकि जब भी वो आत्मा के साथ में होता था तो वह स्वर्ग की लाइब्रेरी का भी यूज कर सकता था। तो अब वो ये सोच रहा था कि अगर वह स्वर्ग की लाइब्रेरी का ऐसा यूज कर सकता है, और एक बार क्लोन जब वो बना रहा था तब भी अपनी आत्मा को अलग करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद में भी उसके साथ में ऐसा कुछ हो रहा था कि स्वर्ग की लाइब्रेरी उसके पास में ही थी, तो क्या वैसे ही यहाँ पर उसको अलग किया जा सकता था? तो वही वह कहता है, हाँ वास्तव में ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ और यहाँ पर मैंने भी उसको अलग किया था। तो वहीं दूसरी तरफ, लेकिन क्या इससे कुछ साइड इफेक्ट नहीं होंगे? तो वहीं वो कहता है, अरे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ ना, मुझे यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तुम मेरे बारे में जान सकते हो, देखो मैं बिल्कुल चुस्त तंदुरुस्त तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ, और शायद तुम भी यहाँ पर उस प्रक्रिया के बारे में जानते हो। तो वहीं दूसरी तरफ, क्या प्रक्रिया, क्या आप उसी अनुष्ठान की बात कर रहे हैं जो हॉल ऑफ गॉड्स वाले वहाँ पर कर रहे थे? तो वह कहता है, हाँ बात कुछ ऐसी है, जब मैंने यहाँ पर अपने स्वर्ग को अलग किया था ना, तो उस वक्त शायद उन लोगों ने देख लिया होगा, उसी वजह से यहाँ पर वह ये सब कुछ करने में कामयाब हो गए। तो वहीं विपिन कहता है, लेकिन उसके लिए तो हमें यहाँ पर वेदी चाहिए होगी ना, वो वेदी हमें कहाँ से मिलेगी? तो वहीं मास्टर से कहते हैं, अरे इसकी चिंता मत करो, उसका पहले से मैंने इंतजाम कर लिया है,
उसके साथ में वो अपने हाथ के अंदर एक वेदी ले आता है। ये देखो, ये रही वो वेदी। क्या आपने वो वेदी वहां से चुरा ली? तो वहीं दूसरी तरफ विपिन जैसे उस वेदी को उसके हाथ में देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर उन 8 जनों से लड़ते लड़ते और उस बंदे को दूर करते हुए यहाँ पर उन्होंने वेदी को भी चुरा लिया था। क्या मास्टर सेक वास्तव में इतने ज्यादा पावरफुल थे? उसके साथ विपिन की आंखें वहाँ पर चिंताओं से घिरी हुई थी। अच्छा ठीक है, वेदी तो आपने ले ली, लेकिन अनुष्ठान का क्या? अनुष्ठान हम लोग यहाँ पर कर ही नहीं सकते, इसके लिए तो यहाँ पर होल मास्टर ईसा की जरूरत पड़ने वाली है। तो वहीं मास्टर सेक कहते हैं, अरे इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने उस अनुष्ठान को पूरी तरह से देखा था कि उन्होंने क्या क्या किया था, तो इसके लिए बिल्कुल भी तुम्हें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। उसके बाद मास्टर सेक जल्दी से उस वेदी को अपने सामने रख देते हैं। उसके नीचे एक बड़ा सा स्टेज भी था और वेदी हवा के अंदर तैर रही थी। चलिए ठीक है, अब आप वापस जाकर बैठ जाइए। लेकिन उसके साथ में विपिन अब आगे भी बढ़ने लगता है, वो मास्टर सेक की बातों के ऊपर आने लगा था। उसके साथ में वो वहाँ पर जाता है तो वहीं दूसरी तरफ, अरे रुकिए रुकिए एक मिनट, मैंने आपके उस पेंडेंट को देखा था कि उस पेंडेंट ने बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी, तो एक काम कीजिए कि यहाँ पर वो पेंडेंट मुझे दे दीजिए, क्योंकि वास्तव में मुझे ऐसा लगता है कि यह पेंडेंट है ना आपके स्वर्ग को उसके साथ में बांध कर रखा हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर आपको उस पेंडेंट को मेरे हाथों के अंदर दे देना चाहिए। तो वही पेंडेंट, क्या आप इस पेंडेंट की बात करना चाहते हैं? तो वही मास्टर से कहते हैं, हाँ हाँ तुम चिंता मत करो, जब यह अनुष्ठान कम्प्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में तुम पेंडेंट को वापस रख सकते हो। तो वही विपिन अपना शरीर लाता है और फिर पेंडेंट को उतारते हुए मास्टर सेक के हाथों के अंदर दे देता है। लेकिन जैसे मास्टर सेक उस पेंडेंट को पकड़ते हैं तो उसके चेहरे के ऊपर एक जोरदार की मुस्कान आ जाती है। उसके बाद वो कहते हैं, चलिए ठीक है फिर हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर अब आपको आराम से बैठे रहना होगा क्योंकि इसके अंदर थोड़ा ज्यादा दर्द हो सकता है। तो वही विपिन भी जाकर वहाँ पर बैठ जाता है। तो वही दूसरी तरफ वह कहता है, लेकिन यहाँ पर मुझे है ना आपको उस जगह पर बांधना होगा, क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि अगर कोई भी गलती हुई और आपने इधर उधर हाथ मारा तो कुछ भी हो सकता है। इतना कहने से साथ में यहाँ पर मास्टर से चुटकियां बजाते हैं और अगले पल यहाँ पर जो स्टेज था जिसके ऊपर विपिन बैठा हुआ था उसके अंदर से अचानक चेना निकल कर आती है, विपिन को वहीं पर ही जकड़ कर रख लेती है। वहीं विपिन एक बार तो वहाँ पर पूरी तरह डर गया था, ये क्या कर रहे हैं आप? तो मास्टर से कहते हैं, अरे अरे कुछ नहीं, यहाँ पर हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करना चाहते हैं, बस आपको उस जगह पर टिका कर रखना है ताकि आप हिले नहीं। इसी साथ में मास्टर सेक भी है ना अब जल्दी से दूसरी वेदी बाहर निकालते हैं और उसके ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। वो भी एक वही गोल स्टेज था जिसका यूज पहले यहाँ पर हॉल ऑफ गॉड्स वाला कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ, ये क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर मेरे लाइब्रेरी को अलग करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? मेरे स्वर्ग की लाइब्रेरी को निकाल कर आप अपने अंदर डालना चाहते हैं? तुमने तो कहा था कि यहाँ पर यह स्वर्ग का जो टुकड़ा है ये किसी के लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक है, तो अब आप खुद यहाँ पर इसका यूज कैसे कर सकते हैं? आखिरकार क्या तुम्हें वास्तव में इस चीज को अपने पास में रखना है? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मास्टर से कहते हैं, हाँ वास्तव में बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर यह जो स्वर्ग का टुकड़ा है ना ये किसी को भी आत्मा को ठेस तो पहुँचाता है, लेकिन गॉड बनने के लिए कोई इंसान ऐसा कुछ नहीं कर सकता। गॉड बनने के लिए यहाँ पर किसी को भी अपने आप को ताकतवर बनाने की जरूरत होती है और आकाशीय द्वार को खोलने के लिए आगे बढ़ना होता है। एक बार तो मैं पहले यहाँ पर फेल हो गया हूँ, तुम्हें फराज पहले से याद है? फराज पहले से तुम्हारे साथ में क्या हुआ था? लेकिन जैसे यहाँ पर वह यह शब्द कहता है तो उसके साथ विपिन की आंखें सिकुड़ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ वह कहता है, मैं वही था, मेरा ही काम था तुम्हारे ऊपर वह अटैक करना। लेकिन अचानक से अब विपिन को कुछ पीछे की बातें याद आना शुरू हो जाती है। फराज पैलेस, जब विपिन यहाँ पर फराज पैलेस को अपने काबू के अंदर कर लिया था उसके बाद में अचानक से वह जब वापस से फराज पैलेस के ग्लोब को यूज करते हुए उसके अंदर घुसता है सीखने के लिए, तो उसी बीच यहाँ पर उसके ऊपर एक अटैक हो गया था। लेकिन उसी का अचानक से यहाँ पर पीछे से एक आवाज आती है, वह आवाज प्रत्युषा की थी और उस आवाज को सुनते ही उसकी चेतना फिर से उससे बाहर निकल कर आ जाती है और उसी बीच यहाँ पर प्रत्युषा ने उसको उस चीज को सुनने से रोक लिया था ताकि यहाँ पर उसके मन के ऊपर अटैक ना हो सके। उस जगह पर तो यहाँ पर विपिन को लगा था जैसे ही प्रत्युषा उसको कुछ सुनने से रोकना चाहती है, लेकिन अब उसको यह पता चला कि वास्तव में उस जगह पर है ना प्रत्युषा खुद उसकी मदद करना चाह रही थी उसको वहां से बचाने के लिए, और अब वह जान पाया कि वास्तव में इस जगह पर प्रत्युषा ही थी जिसने उसको वहां पर बचाकर रखा हुआ था। इसका मतलब क्या है कि कुंग्सू डोमेन के ऊपर जो हमारे ऊपर अटैक हुआ था
उस समय भी उस देवता को नीचे भेजने वाला तुम ही थे। विपिन की आंखें यहाँ पर सिकुड़ जाती है, क्योंकि जब वह कुंग्सु डोमेन के अंदर था और कुंग्सु डोमेन से वह इस जगह पर आ रहा था, उस वक्त यहाँ पर उनके ऊपर देवता ने अटैक किया था। वह देवता बहुत ज्यादा पावरफुल था। वह यहाँ पर प्राचीन सात स्टेज फोर के शिखर पे था, लेकिन फिर भी वास्तव में उस जगह पर उसकी पावर देखना बहुत ज्यादा लाजवाब था। उस समय तो विपिन को ऐसा लगा कि 6 संप्रदायों में से किसी ने उसको नीचे भेजा होगा ताकि वह अपनी ताकत को वापस ले सके, लेकिन जब उसने सारी छानबीन आसपास में करी तो उसके बाद में उसे पता चला कि 6 संप्रदायों का इसके अंदर कोई भी हाथ नहीं था। लेकिन अब उसे पता चला कि इसके पीछे इतरोल का हाथ था। तो वहीं दूसरी तरफ, मैं ही था जिसने यहाँ पर उसको नीचे भेजा था। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन की आंखें सिकुड़ जाती है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या तुम वास्तव में यहाँ पर अवनी को पकड़ना चाह रहे थे? विपिन को अब समझ में आता है कि मास्टर सेक का जो खून है ना, वह अवनी के अंदर था और वह शुद्धतम रक्तरेखा वाली थी। तो अवनी को पकड़कर ये उसके खून का यूज करना चाह रहे थे। शायद यहाँ पर वो उसकी जैसी कोई अपने शरीर को ढालना चाह रहे थे ताकि इस जगह पर वह विपिन का यूज कर सके। लेकिन अब विपिन को उसके ऊपर कुछ डाउट्स होने लगे। मास्टर सेक आखिरकार ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसे विश्वास नहीं था। उन्होंने यहाँ पर मास्टर सेक कॉन्टिनेंट को इस तरह से गिरने से बचाया था, तबाही से बचाते हुए उन्होंने उसको ऊपर उठाया था। तो फिर मास्टर सेक इस जगह पर ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा रही यहाँ पर स्वर्ग की लाइब्रेरी की बात, तो उन्हें स्वर्ग की लाइब्रेरी की क्या जरूरत पड़ने वाली थी? उनके पास में पहले से स्वर्ग का आदेश था।